तो गाइस जब भी किक मारते हैं बाइक स्टार्ट होता है और सेल्फ लेते ही गर गर सी आवाज़, मतलब हन हन सी आवाज़ आने लगता है इंजन से। सेल्फ ज़रा सा भी नहीं लेता है, स्टार्ट मतलब सेल्फ से नहीं होता है। तो आप खुद सुन सकते हैं इसका आवाज़। तो चलिए गाइस फटाफट से इसे हम खोलते हैं और दिखाएंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं और ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, क्यों आती है या क्या इसका रीज़न है। तो पूरा फुल फॉर्म डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो गाइस आवाज़ है, तो ये जिसका मैग्नेट में जो लगा हुआ होता है सेल्फ वन वे जिसे हम बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से जो हमारा चैन इधर चलता है वो चीज़ चलना चाहिए। इसका फाइनली हम फटाफट से इसका मैग्नेट को हम ओपन करेंगे और जो इसका वन वे है उसे हम खोलेंगे। तो ये गाइस इसका वन वे है जिसमें तीन बोल्ट लगा हुआ था जो कि एलंकी बोल्ट होता है। और इसे गाइस खोलने के लिए हमें क्या करना होता है, ये अगर हम एलंकी लगा के खोलते हैं तो ये चीज़ खुलता नहीं है, बहुत ही हार्ड होता है और एलंकी से जल्दी नहीं खुलता, या तो इसका मुँह भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से परेशानी आता है हमें। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, इसके ऊपर चोट मारना है, यानी कि इस बोल्ट को पहले हम एक सुंबी की मदद से इसे हम ठोकेंगे। और ठोकने के बाद क्या होगा, जो भी बोल्ट थोड़ा हमारा लूज हो जाएगा तब उसके बाद हमें खोलने में ज़्यादातर आसान होगा। तो चलिए इस तरीके से हमें सुंबी लेना है और यहाँ पे हमें इस तरीके से चोट मारना है। तो इस तरीके से चोट मारते ही नट लूज हो जाता है और आप देख सकते हैं ये नट खुल चुका है। और कभी कभी क्या होता है, नहीं खुलता था, हम वेल्डिंग करा देते हैं। वेल्डिंग कराने के बाद क्या होता है गाइस कि बहुत दिक्कत होता है और बोल्ट भी हमारा ख़राब हो जाता है, फिर हमें नया बोल्ट लगाना पड़ता है। अगर आपके पास बोल्ट नहीं है या बोल्ट ख़राब करना नहीं चाहते या आराम से खोलना चाहते, तो इस तरीके से आपको मैग्नेट कूलर मतलब पकड़ के रखना है इसे मैग्नेट कूलर की जरिए से, और इसके ऊपर नट के ऊपर चोट मारे किसी सुंबी हथौड़ी के जरिए से, और फिर ये नट जो होता है आराम से खुल जाएगा। तो जिस तरीके से हमने खोला देख सकते हैं आप। और इस तरीके से अगर किसी बाइक में होता है, चाहे वो हीरो की हो या टीवीएस की हो, तो अगर हम सेल्फ लेते हैं और गन गन सी आवाज़ करता है जिस तरीके से अभी आवाज़ आ रहा था, तो वो सिर्फ इसी के ज़रिए से होता है। इसका जो छर्रा होता है, स्प्रिंग होता है, वो सब चीज़ स्प्रिंग टूट जाता है, काम नहीं करता है, और उसके ज़रिए से सिर्फ हमारा मैग्नेट नहीं चलता है, सिर्फ वन वे चलता है। ये मैग्नेट को घुमा नहीं पाता वन वे। और यहाँ पे ये हमारा नया मैग्नेट है, आप देख सकते हैं वन वे मैग्नेट। तो गाइस हमारा पुराना है, हालांकि बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग होता है यही चीज़ इसे धक्का देके रखता है इस छर्रे को, इसे देख सकते हैं। ये बिल्कुल हीरो का है और इसका प्राइस जो है वो 595 रुपया, यानी कि 600 इसका प्राइस है। तो वो हमारा पुराना वाला था और ये नया है। तो इसे हमें लगाने के लिए यहाँ नीचे में एक पत्ती डालना होता है, जो कि इसी में आता है हमारा पत्ती, और इसे फिर यहाँ पे हमें इस तरीके से सेट कर देना है। और जो बोल्ट होता है इसे हमें फुल टाइट करना है, अगर आप कम टाइट करते हैं तो यह चीज़ खुल भी जाता है। और यह चीज़ खुलने का गाइस ज़्यादातर टीवीएस बाइक में हमने देखा है कि ये नट जब खुल जाता है, लूज हो जाता है, इसके ज़रिए से जो कॉइल होता है हमारा आर्मेचर कॉइल, वो चीज़ कट जाता है, काट देता है ये चीज़, उसमें काफ़ी नुकसान होता है। और इसमें उस तरीके से नहीं है, ये हमारा पीछे की ओर नट लगा हुआ होता है। तो गाइस अगर आपकी बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बीच में ये बूस होता है ताकि जो प्लास्टिक का, ताकि जो जितना भी हमारा बेयरिंग होता है वो सब चीज़ बाहर ना निकले छर्रा। अब यहाँ से हम इसे लगा देंगे और जो हमारा प्रॉब्लम था वो चीज़ बिल्कुल सॉल्व हो गया है। तो गाइस अगर आपका पूरे वन वे मतलब सही है और सिर्फ उसका छर्रा जो स्प्रिंग होता है वो चीज़ अगर ख़राब हो गया है, तो चाहे आप वो भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसका जो था गाइस पूरा प्लेट मतलब वन वे ख़त्म हो गया था, पत्ती वगैरह भी झड़ गया था, कट गया था, इसीलिए हमने पूरा इसका वन वे ही चेंज कर दिया है। तो ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, मात्र 600 रुपया प्राइस है। तो चलिए गाइस अब हम इसे सेल्फ लगा के दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं आप, अब जो हमारा काम कर रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही काम कर रहा है, जिस तरीके से काम करना चाहिए। तो जो भी गाइस में जानकारी है वो जानकारी हमने आपको दिया। तो चलिए गाइस
वीडियो को आज समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी।